हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन मटेरियल और उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड कराता है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की हो, अभी तक नहीं किए तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट सी टूडेज टॉपिक, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड एक मेथड है, मीन्स कि अगर हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो किस वे से हो रहा है, किस मोड से आता हो रहा है। मीन्स कि ट्रांसमिशन मोड के मेनली तीन ही टाइप है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। लेट्स से सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड को हम यूनिडायरेक्शनल मोड कह सकते हैं क्योंकि उसमें ओनली वन डायरेक्शन में ही डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट डेटा। लेट्स सी फिगर। हियर सेंडर एंड रिसीवर बोथ है बट ओनली सेंडर कैन सेंड द डेटा, मीन्स कि ओनली वन डिवाइस कैन सेंड द डेटा, सेकेंड डिवाइस कैन नॉट सेंड द डेटा। इस मोड में एक ही डिवाइस डेटा ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे डिवाइस कभी भी डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता है, इसीलिए इसे सिंप्लेक्स मोड कहता है, इसे यूनिडायरेक्शनल कहता है और यूनिडायरेक्शनल मोड कहते हैं। इसमें जब वन डिवाइस डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो सेकेंड डिवाइस ओनली डेटा रिसीव कर सकता है, वो कभी भी डेटा सेंड नहीं कर सकता, और इसी वजह से इस मोड में कभी इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती ही नहीं है क्योंकि एक ही डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। लेट्स सी सेकंड, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में बोथ डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो सकते हैं बट इसमें एक लिमिटेशन है, जब कोई सेंडर डेटा सेंड कर रहा हो तब रिसीवर डेटा सेंड नहीं कर सकता। मीन्स कि जब एक डिवाइस डेटा ट्रांसफर कर रहा है तब दूसरे डिवाइस कभी भी कोई भी डेटा सेंड नहीं करेगा, वो सेकेंड डिवाइस को जब तक पहला डिवाइस डेटा ट्रांसफर खत्म ना करे तब तक उसे वेट करना पड़ेगा, इसीलिए उसमें भी थोड़ा टाइम डेटा ट्रांसफर टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेट्स सी फिगर। जब एक डिवाइस या एक कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है तब दूसरा कंप्यूटर कभी भी डेटा सेंड नहीं कर सकता, दूसरे कंप्यूटर को जब तक पहला कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर खत्म ना करे तब तक वेट करना पड़ेगा, इसीलिए उसमें ट्रांसमिशन रेट कम हो जाता है क्योंकि एक कंप्यूटर को जब तक सारा एक दूसरा कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर खत्म ना करे तब तक वेट करना पड़ता है। फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में भी बोथ डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो सकता है बट फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों डिवाइस एक साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जब सेंडर डेटा सेंड कर रहा हो तब रिसीवर भी डेटा सेंड कर सकता है, मींस बोथ डिवाइस कैन ट्रांसफर द डेटा एट द सेम टाइम। सेम टाइम में बनने बोथ द डिवाइस कैन ट्रांसफर द डेटा, जब सेंडर डेटा सेंड कर रहा हो तो रिसीवर को वेट नहीं करना पड़ता, रिसीवर की एट अ टाइम डेटा सेंड कर सकता है, इसीलिए उसमें डेटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा है एंड बाकी के ट्रांसमिशन मोड के मुताबिक ये हमें बेटर परफॉर्मेंस देता है। लेट्स सी फिगर। इसमें दोनों कंप्यूटर एक साथ एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर को वेट ही नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें डेटा ट्रांसफर फास्ट होता है बट समटाइम्स इसमें इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है क्योंकि दोनों डिवाइस एक साथ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी वजह से समटाइम कोई डेटा लॉस भी हो सकता है, कोई डेटा डुप्लीकेट भी आ सकता है, डेटा का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, डेटा मैनिपुलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसमें इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है।